तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आहा, क्या याद आ गया अम्मा? हाय, मुझे तो बस अब ये याद है कि आज तो मैंने छक्का ही लगा दिया। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। कैसे ये दोनों अनिला का चमचे बने फिरते थे, जैसे उसका हथियार हो। आज इस लड़ाई में मैंने उसके दोनों हाथ, दोनों हथियार ही तोड़ दिए, और अब तो खुल के खेल मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, तुम तो कह रही थी कि अनिल के साथ क्या करना है ये तुम सोचोगी, तो फिर सोच लिया? अरे सोच लिया, जब ही तो मेरे सोच की बत्ती इतनी तेज जल रही है, बल्कि यूं समझो पुलिस मोबाइल की जो बत्ती घूमती है ना, बिल्कुल उसी की तरह तेज 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 घूम रही है। और अब तो मेरे लिए और आसान हो गया, इस निहत्थी अकेली अनीला को किस तरह काबू करना है वो सोचना। अम्मा कुछ भी करके ना इसका ये एक्टिंग का काम रोकना है। ये हीरोइन बने और मैं कुछ और, ये मैं होने नहीं दूंगी। तो क्या बनने वाली है? हाँ, मेरा मतलब है कि मैं नौकरी पेशा बनूं और वो हीरोइन बने, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, लेकिन खैर आज हुआ बहुत अच्छा है ना, मजा आ गया। तुमसे मिलकर ना जा, बल्कि नहीं, गाना तो मुझे गाने नहीं चाहिए, मैंने कहीं शेराजी को। तौबा, कि शेराजी कहाँ से आ गया, फराजी को मुझ पे शक ना हो जाए। नहीं, गाना नहीं। I'm so surprised. तुम क्यों परेशान होते हो? तुम तो उससे कह चुके हो कि तुम उस पर भरोसा करते हो। अनिला को बताया ना तुमने? ये तुम्हें तो उसको कह देना चाहिए था कि शूटिंग हो, कोई स्केड्यूल हो, मीटिंग हो, तो व्हाट, परमिशन की जरूरत ही नहीं, जाए खुद मैनेज करे। अदील, अदील, लुक एट मी, ये जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी बीवी तुमसे पूछे? उसको मीटिंग में जाना है, काम से जाना है, इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू? उसके बाद तुम परेशान हो? नहीं डैड, मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं तो बस आपको। वालेकुम सलाम। माय गुडनेस, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। भाई मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश है कि मैं मजे से घर की टेलीविजन स्क्रीन पे तुम्हें एक्टिंग करता हुआ देखूं। एक्चुअली पापा, मैं तैयार तो हो गई हूं, लेकिन मुझे ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। ऐसा लग रहा है सर में बहुत दर्द है। इस तरह तो मैं पार्टी में एंजॉय भी नहीं कर सकूंगी, फिर जाने का क्या फायदा, रिहर्सल्स तो मुझसे होंगी नहीं, तबीयत ही ठीक नहीं होगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं जा रही हूँ पार्टी में। बेटा, तुम्हें जाने के लिए भी इजाजत की जरूरत थी, नहीं जाने के लिए भी तुम चाहती हो कि बताना जरूरी है, क्यों मियां? आई वॉन्ट यू टू गो। नहीं पापा, बाकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सर भी बहुत भारी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। आपके लिए सरदर्द की गोलियां ले आऊं बीबी जी चाय के साथ? हाँ, मुझे मेरे कमरे में देते हैं। आप कमरे में पहुंचे बीबी जी, 2 मिनट में बस चाय हाजिर है। वैसे चाय के साथ क्या चलेगा? कुछ नहीं, बस सर दर्द की गोलियां ले आना। इसके अलावा पूछ रही हूँ, बिस्किट, केक, सैंडविच वगैरह आप हुक्म करें। क्या बीबी जी, जो भी शौक हो आपके आप खुल के बताएं, सोना हाजिर है। नहीं नहीं, ऐसे मेरे कोई शौक नहीं है, तुम बस चाय के साथ पेन किलर ले आना। अभी लाई बीबी जी। Thank you.
मुझे लगता है अनिला ने हमारी बात सुन ली थी। मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है।